अच्छा तो मैं ये कह रही थी कि आप आदिल का फ्लैट चलकर देख लें कल या आज ताकि आपको सेट करने की आसानी हो जाए। जी फ्लैट तुम यहां? वो जो मैंने आधी बात की थी याद है? यही कि तुम्हारी जॉब लग गई है। पूरी बात ये है कि मेरी यहीं इसी ऑफिस में जॉब लग गई। What? कैसा लगा सरप्राइज? ये कब हुआ? कल शाम में इनकी कॉल आई थी, बोला आज से ज्वाइन कर लो। अब तुम्हें यहां भी भुगतना पड़ेगा। हाँ ऑफ कोर्स। देखो मुझे यहाँ आते हुए ना 3 दिन हो गए और यहाँ के काम करने का माहौल बहुत सख्त है। प्लीज कोशिश करना, कोई फजूल हरकत मत करना और अपने काम पे फोकस करना। मैं कोशिश जरूर करूँगा, अब उसमें नाकामी हो या कामयाबी इसकी गारंटी नहीं है मेरे पास। खुदा के लिए मुझसे दूर रहो। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ काम करने आती हूँ इसलिए। अरे तो हम एक ही यूनिवर्सिटी के हैं, साथ मिलकर काम करेंगे, लॉबिंग करेंगे, ऑफिस पॉलिटिक्स करेंगे, बड़ा मजा आएगा। क्या तुम पागल वागल तो नहीं हो? अरे तुम्हारा आज पहला दिन है और तुम ऑफिस पॉलिटिक्स की बातें करो, दिमाग सही है तुम्हारा? अरे तो आज से शुरू करेंगे तो गेम समझ आएगी ना। देखो ये बात लिख के रख लो, हर ऑफिस में ऐसे ही होता है। चलो उठो, चलो यहाँ से और मुझसे दूर रहना। किसी को यहाँ पता नहीं है कि मैं तुम्हें जानती हूँ। जाके अपना काम करो पागल आदमी। ओके सी यू। फ्लैट के लिए आए थे। अरे हेलो हारिस, प्लीज मुझे काम करने दो, जाओ यहां से। अच्छा मेरी बात तो सुन लो, वकार साहब से मेरी बात हुई थी, वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें असिस्ट करूंगा, मेरी जॉब तुम्हारे साथ है। देखो अगर ये मजाक है ना तो इंतहाई फजूल मजाक। मैं क्यों मजाक करूंगा? अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा ना तो खुद पूछो। ये लीजिए। वैसे तो मुझे तुम्हारी किसी भी बात पे यकीन नहीं है, लेकिन अगर ये बात गलत हुई ना तो तुम्हें पता भी नहीं मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। हेलो सर। सर मैं एक्चुअली ये पूछना चाह रही थी कि आपने हारिस को भेजा है क्या? ओके जी जी सर, ठीक है, थैंक यू। हारिस देखो मैं तुम्हारा लिहाज बिल्कुल भी नहीं करूंगी, ये याद रखना। मैडम जितना मेरा आपसे वास्ता पड़ा है ना, मैं ऐसी कोई गलतफहमी नहीं पाल रहा। ठीक है ये फाइल्स पकड़ो, ये लो, जाओ जाके रिपोर्ट तैयार करो और जल्दी से मुझे दो। अच्छा वो अभी जाने का टाइम हो गया है, कल कर लूं? क्यों अभी ही बनाओगे? कल सुबह मुझे ये रिपोर्ट्स चाहिए, मुझे भी आगे जवाब देना होता है।
यार ये अच्छी बात नहीं है, इंसान थोड़ा लिहाज ही कर लेता है। देखो अगर लिहाज करवाना है ना तो जाके अपने अब्बा के बिजनेस में काम करो, वहां तुम्हें सारे ना लोग बोलेंगे साहब जी, यहाँ कोई नहीं बोलेगा तुम्हें, यहाँ तुम मेरे असिस्टेंट हो। दूसरों से नहीं पर तुमसे तो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ ना। मैं भी यहाँ नौकरी करती हूँ यार, और वैसे भी आरिफ साहब को मेहनती लोग बहुत पसंद है, मेहनत करोगे तो जल्दी प्रमोशन मिल जाएगी, इसलिए बेहतर है कि अपने काम पे फोकस करो, फजूल बातें मत करो। दोस्त ओके मैडम। हाँ बोल क्या खबर है खाला? खबर तो अच्छी नहीं है। अल्लाह खैर करे, क्या हुआ खाला? ये बताओ तुम्हारे लड़कों की शादी का क्या मामला है? हैं? अरे शादी का मामला क्या है भाई, बस लड़कियाँ ढूंढती फिर रही हूँ उनके लिए, कोई अच्छी लगी नहीं रही मुझे, अच्छी लगेगी तो खैर से कर दूंगी शादी। अच्छा जबी? क्या जबी, और तू ये क्यों पूछ रहा है? खाला तुम्हारी नाक के नीचे बड़ा काम होने वाला है। कैसा काम? मुश्ताक भाई और अशफाक भाई तुमसे छुपके शादी की तैयारियां कर रहे हैं। ए, क्या बकवास कर रहा है तू? बकवास नहीं कर रहा खाला, बिल्कुल सही खबर दे रहा हूँ। ये हो ही नहीं सकता। अब नहीं मानना तो ना मानो खाला, बाकी मेरे पैसे मुझे चाहिए। अरे चल चल कमबख्त, पहले ये तो बता कि आया ये बात सही भी है या नहीं। खाला किसकी कसम खाऊं जो तुम्हें यकीन आए, बाकी जो मैंने सुना वो ही बता रहा हूँ। ये सुन के तो मेरा दिल बैठा जा रहा है। हकीकत यही है खाला। खाला जो करना है वो जल्दी कर लो, क्योंकि वो दोनों अपने लिए अलग फ्लैट देख रहे हैं। हैं? फ्लैट ले रहे? वो क्यों? शादी करके अपनी बीवियों को तुम्हारे साथ थोड़ी रखेंगे, इसलिए अलग फ्लैट देख रहे हैं। नहीं 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 नहीं, गलत कह रहा है तू, ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे बच्चे इस हद तक तो जा ही नहीं सकते, कोई फ्लैट व्लैट नहीं ले रहे, बकवास कर रहा है बिला वजह की। खाला क्यों यकीन नहीं आ रहा, तुम अपने लड़कों को नेक और पारसा समझती हो क्या? एक नंबर के फराड़ियां हैं दोनों। अरे नेक समझने की बात नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बेटे जो है ना वो मेरी मर्जी के खिलाफ कभी कुछ कर ही नहीं सकते। तो ये गलत फहमी दूर कर लो, तुम्हारी औलाद तुम्हारे से गद्दारी करने के लिए जा रही है। चल ठीक है, देखती हूँ मैं उनको। अच्छा खाला अपने पैसे कब लेने आऊँ? बकवास बंद कर, अभी काम तो पूरा होने दे, पैसे लेने कब आ जाऊँ? काम जब मुकम्मल होगा ना तब तुझे 500 रुपए मिल जाएंगे, मर मत। अच्छा मौत आ गई है तुझे पैसों के पीछे। क्या मतलब काम शुरू हुआ? अरे मतलब तो तुझे बाद में समझाऊंगी, ये जो तूने एटम बम मेरे सर पे फोड़ा है ना, पहले इसका तो सब कुछ हो जाए, जरा आने दे इन दोनों को, इनकी खबर ले लूं फिर तेरी भी खबर लूंगी। ठीक है खाला, मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बताना, लेकिन पैसे देख लेना खाला, 5,000 तक कर लेना। अरे चल चल बड़ा आया 5,000 वाला, करूंगी बात तुझसे बाद में, बंद कर फोन, बंद कर। शादी में खर्चे तो होते ही हैं माँ। अरे पगली, खर्च करने के लिए पैसे भी तो होने जरूरी है। हाँ तो तुम्हारे पास है ना पैसे, निकालो। अरे यो इतने अच्छे कढ़ाई वाले कपड़े तुझे पसंद नहीं है? अल्लाह अम्मा इतने बुरे कपड़े हैं। क्या हो गया तुझे, अच्छे तो है? कोई नहीं अच्छे, नानियां दादियां होती थी ना वो भी इतने बुरे कपड़े नहीं पहनती थी, आजकल तो बिल्कुल फैशन नहीं है ऐसी कढ़ाई का। या तो खर्चा बचा लो या फैशन कर लो। हाँ हाँ खर्चे क्यों बचाए, शादी में खर्चे तो होते ही हैं अम्मा। अरे पगली, खर्च करने के लिए पैसे भी तो होने जरूरी है। हाँ तो तुम्हारे पास है ना पैसे, निकालो। हाँ हाँ इतने पैसे तो हैं कि मैं तुझे इज्जत से ब्याह दूं, अलले तलले करने के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। वाह माँ वाह, मेरी शादी के कपड़े तुम्हें अलले तलले लगते? शेरबानो तेरी इस हरकत से ना मैं बहुत परेशान, एक तो बात को समझती नहीं है, पता नहीं बात को कहाँ से कहाँ निकाल लेती है। अम्मा तुम यही तो कह रही हो, और वैसे इस बात का क्या मतलब है? अरे मैं तो ये कह रही थी कि कपड़े तो रखे हुए निकल आएंगे, और अगर कमी रह गई तो और ले आएंगे। ये ठीक है, मुझे तुम पुराने कपड़ों पे टखा रही हो, ये सौतेला सलूक करने के लिए मैं ही रह गई थी अम्मा। वो कपड़े पुराने नहीं है, मैंने संभाल संभाल के तेरी शादी के लिए रखे थे, नए कपड़े हैं। अम्मा तुम सारी किफायत शारी ना
मेरी दफा ही दिखा दो, जितना रखा हुआ सामान है ना वो मुझे ही दे के निपटा दो मुझे, यही नुकसान होता है पहले शादी करने का। तू पागल हो गई है शेरबानो, हैं? तू तो ऐसे कह रही है जैसे मैं कोई पैसे बचाने की बात कर रही हूँ। हमें रहने दो तुम, अब हम इतने भी कंगाल नहीं है। अरे मैं कब कह रही हूँ कि हम कंगाल हैं, मैं तो ये कह रही हूँ कि थोड़े पैसे हैं उसे हम बचा बचा कर खर्च करेंगे तो आगे जाके भी खर्चे में काम आएंगे। ठीक है अम्मा, तुम बचाओ अपने पैसे, शादी पे ना मैं तैयार होने जाऊंगी ना मेहंदी लगाऊंगी ब्यूटी पार्लर से, मेकअप भी नहीं कराऊंगी मैं ब्यूटी पार्लर से, तुम बचाओ अपने पैसे अपने पास रखो, ठीक है? बचाओ अपने सारे पैसे, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे। अल्लाह ये लड़की का मैं क्या करूं, उफ समझती नहीं है किसी बात को। कैसा रहा जो ऑफिस का पहला दिन? अल्हम्दुलिल्लाह मीचान बहुत अच्छा, आपकी दुआएं साथ थी, कैसे बुरा गुजर सकता था दिन। वैसे ऑफिस से कुछ जल्दी नहीं आ गए तुम लोग? अम्मी जान वो आज उसकी नौकरी का पहला दिन था ना, इसलिए उन्होंने जल्दी छोड़ दिया। अच्छा 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 अच्छा, अच्छा ये बताओ कि ऑफिस में लड़कियां हैं? अम्मी जान हैं। मुस्कुराहट बता रही है कि खूबसूरत लड़कियां हैं। जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे तो ये खतरा लाहक हो गया है भाई। खतरा कैसा लाहक हो गया अम्मी जान? इसलिए कि मुझे डर लग रहा है कि ऐसा ना हो किसी दिन ऑफिस की लड़की से छुप छुपा के शादी कर ले, तेरा कोई भरोसा नहीं है। अस्तग़फ़िरुल्लाह अम्मी जान कैसी बातें कर रही है, मैं आपको भरोसा तोड़ूंगा? भाई जान अम्मी जान मेरा इससे लाख इख्तलाफ से, मगर एक बात की मैं आंख बंद करके गारंटी दे सकता हूँ कि ये कभी आपसे धोखेबाजी नहीं करेगी। हाँ हाँ तू गारंटी ले रहा है इसकी, है तेरी अपनी कोई गारंटी नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं अम्मी जान आप, मैं तो आपको सबसे ज्यादा फरमा बरदार बेटा हूँ। हाँ आजकल की औलाद की फरमा बरदारी बिल्कुल चाइना के उस इलेक्ट्रिक सामान की तरह होती है जिसकी कोई गारंटी नहीं होती। अब भला अम्मी जान हम आपकी मर्जी के खिलाफ कुछ कर सकते हैं? मुमकिन ही नहीं, मुमकिन ही नहीं। अस्तग़फ़िरुल्लाह। अच्छा बस करो, बहुत बकवास हो गई, मेरे लिए एक व्हील चेयर लेके आओ भाई, इस पलंग पे लेटे लेटे मैं बहुत बोर हो गई हूँ, घर से वहशत होने लगी है मुझे, समझ गए? जी अच्छा मिजान, व्हील चेयर का आज ही इंतजाम कर देता हूँ मैं। भैया जल्दी। हाँ जी। जल्दी। हाँ मुसीबत लांती, हर दफा यही करके जाता है बाहर, और तू बाहर नहीं जाएगा, बैठिए, फिर फोन निकाल रहा है बाहर जाने के लिए। नहीं अम्मी जान वो साइलेंट पे था तो वो बज रहा है वो। अरे ऑफिस से बॉस की कॉल है, मैं सुन। इधर ही सुन, इधर ही सुन अम्मी जान, वो सिग्नल नहीं आ रहे, बाहर बाहर जा रहा है। ये बाहर क्यों जाता है? क्या हो रहा है आरिस? बस मॉम सोने की तैयारी। इतनी जल्दी? अभी तो 10 बजे। मॉम वो मैं थक गया हूँ। आपका आज ऑफिस में पहला दिन था, कैसा गुजरा आपने मुझे बताया नहीं। अच्छा गुजरा। हारिस आप अपने बाबा के इस फैसले पर नाराज तो नहीं है ना उनसे? किस फैसले से? यही कि वो आपको ऑफिस में अजनबियों की तरह ट्रीट कर रहे हैं। नहीं मॉम वो जैसा करते हैं उन्हें करने दें। सच्ची बात है भाई, मुझे ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया है। मॉम आप प्लीज अपना दिल छोटा मत करें, पापा ने कुछ सोचकर ही ऐसा किया होगा ना, और मुझे तो काम सीखना है, ऐसे भी सीख लूंगा। लेकिन देखो अब काम पे टोटल फोकस रखना ताकि अपने बाबा का बिजनेस जल्द से जल्द टेक ओवर कर सकूं। वो जो आपके हस्बैंड हैं वो तो इतना जल्दी नहीं होने देंगे। ऐसी कोई बात नहीं है हारिस, उनकी सारी नाराजगी तो सिर्फ इसलिए थी ना कि आप उनके बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, अब आप लेने लगे हो तो उनको तसल्ली हो जाएगी। क्यों वो कुछ कह रहे थे आपसे? नहीं आपके मौजू पे तो कोई बात नहीं हुई। अच्छा मॉम अगर वो आपसे कोई बात करे तो मुझे जरूर बता दीजिएगा। ओके बता दूंगी। ठीक है ओके अब सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट मॉम।
अभी तक सोई नहीं? नहीं। चांद को ऐसे क्या देख रही? डर जाएगा। ये देख रही हूँ कि इतना खुश नसीब है ना, अकेला इस दुनिया से बहुत दूर अपनी धुन में मगन, और यहाँ हमें जो रोज एक नई मुसीबत झेलते हैं। वैसे जहां तक मुझे याद है, ये सबक मुझे आपने ही सिखाया था कि मुश्किलात से कभी भागना नहीं चाहिए, क्योंकि यही तो जिंदगी का मकसद सिखाते हैं। पर अगर जिंदगी में मुश्किलें ना हो तो जिंदगी कितनी सिंपल और बोरिंग हो जाएगी। कभी कभी ना मेरे अपनी ही कई बातों से यकीन उठ जाता है। क्या मैं ये जान सकती हूँ कि इस वक्त आपके दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है? कोई शहरबानों की शादी और उसके खर्चे। क्या हो गया बाजी, इतनी सी बात पे नींद उड़ा ली? इतनी सी बात नहीं है हया, ये नसरीन नहायत ही मक्कार और झूठी औरत है। हर बात पे अम्मा के सामने एक नया मुद्दा रख देती है, और अम्मा बेचारी मासूम कुछ भी नहीं कह पाती। उसने अब क्या किया है? वही फ्लैट के फर्नीचर के सामान की बात कर रही है। कैसे कैसे बेशरम लोग होते हैं, जरा लिहाज नहीं करते जहेज मांगने में। डायरेक्ट थोड़ी बोलती है वो, बहला फुसला के अम्मी के कान में बात डाल देती है। पहले आदिल की तारीफों से शुरू होती है बात, आदिल ऐसा है, आदिल वैसा है, अम्मी इम्प्रेस हो जानती है। फिर आदिल ये कह रहा था, फिर आदिल ये कह रहा था, आदिल वो कह रहा था, इस तरह से ना अपनी डिमांड्स आगे रख देती है। आदिल इतना ही अच्छा इंसान होता ना तो अपनी बहन को ये सब नहीं कहने देता। अरे यार, फ्लैट का सारा सामान, इसका मतलब लाखों का खर्चा है। हाँ जाहिर है। इतनी अच्छा खासा उस दिन रिश्ता खत्म होने की बात हो चुकी थी, अगर ये खत्म होता तो कितना अच्छा हो जाता। वही तो मैंने नहीं किया, इस मक्कार नसरी ने फिर से वही चिकनी चमड़ी बातें कर दी, अम्मा फिर से पिघल गई। अम्मा को ना जम के अपनी बात कहना आती ही नहीं है, और ये बात तय है। हाँ लेकिन मैं अम्मा को कसूरवार ज्यादा नहीं ठहरा सकती इस मामले में।